तो बांग्लादेश के खिलाफ तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की सीरीज खत्म हो गई है, 2-1 से हम हार भी गए, लेकिन टेस्ट मैचेस की सीरीज की जो शुरुआत है वो 14 तारीख से होने जा रही है। 14 से 18 तक हम पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेंगे, दूसरा 22 तारीख से 26 तारीख तक खेलेंगे, लेकिन उसको लेकर बड़ी अपडेट आई है। रोहित शर्मा आपको याद होगा कि दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हुए फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद बैटिंग करने के लिए आए, जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की, लेकिन अब अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच से बाहर हैं, यानी कि उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा खेलने के लिए जाएंगे और उनकी जगह पर अभिमन्यु ईश्वरन को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया। ये भी मतलब कि आप कहेंगे कि सॉलिड शानदार बल्लेबाज है, तो रोहित शर्मा जो कि टीम इंडिया के कप्तान है वो पहले टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके वाइस कैप्टन है केएल राहुल वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वी आर होपफुल कि वो दूसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा जरूर खेलेंगे एंड अभिमन्यु ईश्वरन जो है उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर रहे। मोहम्मद शमी एंड रविंद्र जडेजा ये दोनों टेस्ट मैचेस से बाहर है, यानी कि कंप्लीटली सीरीज से बाहर हो चुके हैं। शमी को यू नो बैक इंजरी थी जिसकी वजह से वो बाहर हो गए, रविंद्र जडेजा भी अभी 100% फिट नहीं है, व्हाटएवर, लेकिन वो भी कंप्लीटली अब इस सीरीज से बाहर है। उम्मीद करते हैं कि जो नए साल की शुरुआत होगी वहां पर जडेजा और हो सकता है कि शमी आपको खेलते हुए देखेंगे, तब तक फुली फिट हो जाएंगे, लेकिन जडेजा और मोहम्मद शमी दोनों ही टेस्ट सीरीज से बाहर है, यानी कि दोनों टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे और उनकी जगह पर नवदीप सैनी एंड सौरभ कुमार को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है, यानी कि नवदीप सैनी काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं, ये भी टीम के साथ में अवेलेबल होंगे। उमरान मलिक को ऑलरेडी पहली टीम में रखा गया था एंड देन सौरभ कुमार ये भी टीम के साथ है, ये भी स्पिन गेंदबाज हैं, तो इन दोनों खिलाड़ी को टीम में शामिल कर लिया गया है। यानी कि मैं मोटे तौर पर बता दूं कि रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं है, उनकी जगह पर केएल राहुल कप्तानी करेंगे और रोहित शर्मा की जगह पर अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में शामिल किया गया है, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में उम्मीद है कि रोहित शर्मा टीम के साथ जुड़ जाएंगे कप्तान के तौर पर। इसके अलावा देखें तो मोहम्मद शमी एंड रविंद्र जडेजा टीम से बाहर है, यानी कि दोनों ही जो टेस्ट मैचेस हैं उसके लिए अवेलेबल नहीं है और उनकी जगह पर नवदीप सैनी एंड सौरभ कुमार को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है यार दोनों टेस्ट मैच, और इस दोनों टेस्ट मैच में टीम इंडिया जीत दर्ज करे। हर इंफॉर्मेशन आपको स्पोर्ट्स टॉक पर मिलेगी, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।